इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बलिया से, जहां नदी के रास्ते से गौ तस्करी की वीडियो बनाकर वायरल करना युवक को पड़ रहा है भारी। पुलिस और गौ तस्करों की युगलबंदी के खेल को जग जाहिर करने पर पुलिस ने युवक को दिया धमकी। गौ तस्करों और पुलिस के पुलिसिया खौफ से घबराया युवक, न्याय न मिलने की स्थिति में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की बात कर रहा युवक। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र कठोड़ा गांव का बताया जा रहा है। अपना परिचय बताइए। मंजेश कुमार यादव, ग्राम कठोड़ा, थाना सिकंदरपुर का निवासी हूं। आपकी क्या समस्या है? सर, जो समस्या है कि हमारे नदी के किनारे खेत है, उसमें गौकसी दिनेश पाठक एसओ और सुनील निषाद के द्वारा किए जा रहे थे, वो पूरा खेत हमारा बर्बाद हो गया। और उसमें वो जब हम एप्लीकेशन अधीक्षक बलिया को दिए तो ये लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गलती फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए हमको फर्जी दे रहे थे। उसके बाद घर पे जाकर और माँ बाप हमको गाली वाली दे रहे थे, तो हमने यहाँ से हमको पुलिस खोजने लगी तो हम इधर उधर भाग रहे हैं, उसके बाद दिनेश पाठक हमको कह रहे हैं कि उनको मारने की गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। जिसे आपने वो गौकसी का जो उन पे आरोप लगाया जी, वो किस आधार पे आपने लगाया है? सर, हमने वीडियो बनाए हुए हैं उन पे, गाय सुनील सिपाही वो कहीं अलग थे और गाय लदवा रहे थे घटे पे, तो बिहार भेजवाने के लिए तो वीडियो हम रखे हैं सर। तो आप पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे थे, आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो क्या वहां से क्या आपको ये मिला कि आश्वासन क्या मिला? बोले कि हम सीओ सिकंदरपुर को जांच भेज रहे हैं, अभी उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो सीओ साहब, क्या जांच चल रही है? तो वहां पे हमको धमकी दे रहे हैं, हम पूरे परिवार के साथ तो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं।